डिस्क्लेमर, दिस पीस इज अ स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, सो इफ यू जेन्युइनली विश टू हियर ऑल ऑफ देम, यू आर वेलकम टू वॉच इट. योर अटेंशन फॉर फ्यू मिनट्स विल बी अप्रिशिएटेड. खामोशी, अ स्टेप टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस इन लाइन विद द थीम ऑफ सैम, सेक्शुअल असॉल्ट अवेयरनेस मंथ. कुछ अल्फाज फीके पड़ जाते हैं उन हादसों के सामने जिसका जिक्र करने में भी जबान कांपती हो. ऐसी ही हकीकत से रूबरू हम रोज होते हैं, मगर न जाने क्यों हम सब खामोश हैं. अनगिनत सवालों की गठरी है मेरे पास, मगर मैं जानती हूं जवाब में मुझे चुप्पी ही मिलेगी. हाँ, कुछ लोग बात करेंगे, कुछ खूब लड़ेंगे, मगर क्या वो मेरी याददाश्त मिटाने में सक्षम होंगे? अगर होंगे तो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो लम्हा मिटा दिया जाए जहां मेरी नामंजूरी थी. मैंने कोई इशारा नहीं किया, फिर भी मेरी क्यों चढ़ी सूली थी. मैंने ना शॉर्ट स्कर्ट पहना था, ना ही लगाई थी कोई लाली. एक 9 साल की बच्ची थी, बस मासूमियत थी खाली. मुझे आज भी याद है वो गंदी सी छुअन जिसे मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाई, बस डर के मारे घर लौटा. किसी से नहीं बताई वो रात जिससे आज भी मेरी रूह कांपती है. और जब समझी बड़ी देर हो गई, मैं एक लड़की से औरत हो गई. आज ये कहानी हर औरत की है, और मेरी तरह न जाने कितनी औरतें मौन हैं. मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ बेटी को मारा जाता है और देवी को पूजा जाता है. मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ न्याय बिकाऊ है और मर्द आज़ाद. मैं हर मर्द से पूछती हूँ बस एक ही सवाल, क्या घर से निकलते वक्त आप देखते हैं अपना लिबास? माँ दुर्गा की भक्ति करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई वो भक्ति आपकी, औरत का मान गिराते हो. आज भी वो 9 साल की लड़की पूछती है भगवान से गठरी भर के सवाल, और आज भी उसके हिस्से में खामोशी का जवाब है. रुआसी सी हो जाती हूँ वो एक मंजर के जहन में आते ही, रुआसी सी हो जाती हूँ वो एक मंजर के जहन में आते ही, वो एक मंजर जो बरसों से कभी गुजरा ही नहीं. कुछ किस्से खामोश है हम में, और कुछ किस्सों में हम. ये खामोशी बहुत ज़्यादा गहरी है जो शायद साधारण कानों तक ना पहुंच पाए. इन्हें शायद वही कान सुनेंगे जिन पर गुजरी हो. कुछ अल्फाज फीके पड़ जाते हैं अक्सर, मगर जिंदगी का स्वाद तो लाजमी है. बुरे ख्याल लगाम लगाते हैं सपनों पर, मगर सपने देखना तो जारी है. So here I am today. If you are someone who went through any kind of abuse, assault, have courage to speak about it. But dear females, do not impose false claims on any male for your own selfish motives. Remember, we don't want only women empowerment. We want human empowerment. Whoever is watching this,
and stay till end. I owe you gratitude, which I can't pour into words. Thank you for hearing me. Yours truly, Bhagyashree. ये कहानी आप तक पहुंचाने का साहस मुझे टाई क्लब ने दिया. टाई स्टैंड्स फॉर द इनर इंजीनियरिंग क्लब. द मोटो इज टू स्प्रेड द ए के ए ऑफ मेंटल हेल्थ. ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस दैट दीज इश्यूज एग्जिस्ट. के नॉलेज ऑफ हाउ टू कोप अप विद देम. ए एक्सेस टू प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर. They conduct activities all year long based of different themes for the benefit of youth mental health. If you are someone who is looking for such support, do contact them via their Instagram ID. All the details are mentioned in the description box.